वहीं साइबर सिटी गुड़गांव के डीसीपी क्राइम ने संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव पुलिस एनकाउंटर मामले में मुंबई का हर तरह से सहयोग कर रही है। गुड़गांव के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में गुड़गांव पुलिस ने अपने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई के एक होटल में गुड़गांव के नामी बदमाश संदीप गाडोली का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। गैंगस्टर के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में गुड़गांव पुलिस को एक बड़ी राहत दी थी। इसमें कोर्ट से हमारे को सूचना जो आई थी, जैसे ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट है ना, मुंबई पुलिस द्वारा एसआईटी द्वारा हम जो पेश की गई थी, उसके भी आप जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसको देखते हुए हमने इनको ना सस्पेंड किया। क्या किस तरह से सपोर्ट कर रही है गुड़गांव पुलिस एसआईटी को? इसको जो भी वो सहायता हेल्प कर लेने के लिए हमारे को इन्फॉर्म करते हैं या आते हैं, पहले भी दिया, हम देते रहेंगे उनको हेल्प देते रहेंगे। जिन पे एलिगेशंस लगे थे जिन पुलिसकर्मियों पर, क्या उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए उनकी? वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं तो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ना बम्बे एसआईटी द्वारा जो भी हेल्प है ना वो देंगे, उनको हेल्प दी जाएगी। तो वहीं गैंगस्टर संदीप के परिजनों ने मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। इस एनकाउंटर की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट मांगा था, जिसमें एनकाउंटर करने वाली टीम को कटघरे में किया था। हालांकि मुंबई पुलिस इस बाबत गुड़गांव पुलिस से कोई बात नहीं कर रही, फिर भी गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर में शामिल अपने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। संदीप गाडोली एनकाउंटर की जांच कर रही मुंबई एसआईटी को हर कानूनी मदद करने की बात करने वाली गुड़गांव पुलिस इस केस की जांच में फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। उधर संदीप के परिजन गुड़गांव पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा गैंगस्टर की बॉडी को अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे में देखना होगा कि गैंगस्टर का एनकाउंटर रियल साबित होता है या फिर फेक एनकाउंटर के चार्ट में गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम पर कानूनी कार्रवाई होती है।